too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. What you do, and it बस इट्स वी विशाल, यू वॉचिंग वी एन जी रॉक्स, बैक इट अगेन न्यू वीडियो। तो गाइस आज मैं आया हूँ श्री हरि कार मेलो, जो कि है वाराछा में। अगर आप लोग सूरत में रहते हो तो आपको पता होगा वाराछा कहाँ पे है, बट अगर आप सूरत में नहीं हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ का एड्रेस दे दूँगा। आप वहाँ से गूगल मैप में भी इनका एड्रेस है दिया हुआ है, आप डायरेक्शन फॉलो करके यहाँ पर आ सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक से एक बेहतरीन गाड़ियाँ मिलेंगी। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मिक्स गाड़ियाँ, जो कि हैचबैक एसयूवी। आपको यहाँ पे स्विफ्ट मिलेगी, 800 मिलेगी, फॉर्च्यूनर मिलेगी, एक्सयूवी मिलेगी, जो गाड़ी आप चाहोगे आपको यहाँ पे मिलेगी। आपको वेल मेंटेन कंडीशन में बहुत ही बढ़िया प्राइस में आपको यहाँ पे गाड़ियाँ मिलने वाली हैं। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, फॉर्च्यूनर खड़ी है, आपको उसकी वीडियो में दिखाऊँगा, बाद में दिखाता हूँ लास्ट में। और पहले हम चलते हैं हैचबैक गाड़ियों की तरफ, जो कि है यहाँ पे स्विफ्ट भी खड़ी है, हुंडई की सारी गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पे, i10 है, i20 है, क्रेटा है। आप जो गाड़ी आप सोच रहे हो ये गाड़ी यहाँ पे मिलेगी, और वेल मेंटेन कंडीशन में आपको यहाँ पे गाड़ियाँ मिलने वाली है। तो चलिए गाइस इस वीडियो को अब शुरू करते हैं, आपको दिखाता हूँ एक से एक बेहतरीन गाड़ियाँ। तो हमारी पहली गाड़ी जो है गाइस वो है हुंडई की i10 ईओन है ये 2012 मॉडल, जैसा कि आप देख पा रहे हो डिटेल में। 2012 मॉडल कितना चली है लगभग इसको, चलिए 50,000 के आसपास ही चली है गाइस, 50,000 के आसपास चल रही है, पेट्रोल गाड़ी है। और आस्किंग प्राइस जो है 2.5 लाख रुपए है, 2,50,000। तो जैसा कि आप गाड़ी का कंडीशन देख पा रहे होगे, तो स्क्रैचलेस कंडीशन में गाड़ी खड़ी है। और इसका वॉक अराउंड देता हूँ तो देख पा रहे हो स्क्रैच नहीं है, कहीं पर भी स्क्रैच नहीं है। और इंटीरियर अगर आप अंदर का देख पा रहे हो, आप लग नहीं दिख रहा वैसे धूप में, तो गाड़ी एकदम क्लीन है, वेल मेंटेन गाड़ी है। 2.5 लाख इसकी आस्किंग प्राइस है और 2012 का मॉडल है गाइस। तो जैसा आप देख पा रहे हो, अगर हुंडई की ईओन 2.5 लाख आस्किंग प्राइस, 2012 का पेट्रोल वर्जन। तो अब हम अपनी दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ते, अब जो हमारी दूसरी गाड़ी है वो है हुंडई की i20 2013 का मॉडल है। कितना चला है? 50,000 फर्स्ट ओनर, 50,000 चला है, और फुल इंश्योरेंस है, फुल इंश्योरेंस के साथ में। और इसकी आस्किंग प्राइस कितने है? 4 लाख रुपए आस्किंग प्राइस गाइस। आप देख पा रहे होगे तो गाड़ी एकदम स्क्रैचलेस कंडीशन में, वेल मेंटेन गाड़ी है 2013 की, 4 लाख रुपए आस्किंग प्राइस। और कंडीशन आप देख पा रहे होगे तो कहीं पर भी स्क्रैच नहीं दिख रहा है, वेल मेंटेन गाड़ी है। और देख पा रहे हो तो कहीं पे भी स्क्रैचेस नहीं दिख रहे हैं। और इसका वॉक अराउंड दे रहा हूँ तो पीछे भी आप देख सकते हो, इवन बम्पर भी एकदम क्लीन है, एकदम गाड़ी क्लीन खड़ी है इधर पे। और इसकी आस्किंग प्राइस 4 लाख रुपए है। तो अब हम अपनी दूसरी गाड़ी की तरफ चलते हैं, एक बार फिर से इसका वॉक अराउंड ए साइड से भी दिखा देता हूँ, ये साइड से भी देख पा रहे होंगे तो कहीं पर भी स्क्रैच नहीं है, गाड़ी वेल मेंटेन्ड है। तो अब हमारी जो तीसरी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, फिर से 2010 की हुंडई i20 टॉप मॉडल ओनर फुल इंश्योरेंस डीजल, फर्स्ट ओनर फुल इंश्योरेंस डीजल वर्जन। और आस्किंग प्राइस कितनी है भाई? वो 330 बोल रहे हैं, लेकिन 270 में हो जाएगी शायद। 330 आस्किंग प्राइस है, 270 नेगोशिएबल है प्राइस। कोई भी गाड़ी आप देख रहे हो तो उसकी प्राइस फिक्स नहीं है, प्राइस नेगोशिएबल है। तो आप आइए एक बार इनसे बात कीजिए ऑन टेबल, ये प्राइस नेगोशिएबल है, प्राइस इधर उधर हो जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। और जैसा कि ये भी गाड़ी देख पा रहे हो 2010 की है, लेकिन लग नहीं रही है कि ये 2010 है, फुल कंडीशन में गाड़ी खड़ी है, स्क्रैचलेस कंडीशन में गाड़ी है। और इसका भी पीछे का वॉक अराउंड देता हूँ मैं, तो देख पा रहे हो पीछे से भी दिखा रहा हूँ इसको, गाड़ी की फुल कंडीशन में है गाइस। तो चलिए आगे ये साइड से भी दिखा देता हूँ आपको,
और अगर आपको इसको अंदर का दिख पा रहा होगा तो इंटीरियर भी एकदम क्लीन है गाइस। आप कैमरे में इतना पता नहीं चल रहा है लेकिन इंटीरियर एकदम क्लीन है, और टायर देख पा रहे हो तो टायर भी अभी बहुत बढ़िया कंडीशन में खड़े हैं, टायर भी बहुत बढ़िया कंडीशन में है, तो ये देख लीजिए। अब हम अपनी दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और गाड़ियाँ दिखाते हैं। तो हुंडई की एक और गाड़ी है ग्रैंड i10 टॉप मॉडल 2017 गाइस, लगभग दो साल ढाई साल भी नहीं हुए अभी, दो साल की गाड़ी और इधर पे खड़ी है। आस्किंग प्राइस कितना है? 5 लाख रुपए। और चली कितना है ये? 50,000 समथिंग चली हुई है। और आप इसका भी वाइट में ही है, एकदम कंडीशन फुल स्क्रैचलेस कंडीशन में। तो इसका भी वॉक अराउंड देता हूँ, पहले टायर देखिए गाइस। तो टायर भी एकदम बढ़िया कंडीशन में है और कहीं पे भी स्क्रैच नहीं है गाइस। कहीं पे भी स्क्रैच नहीं है और पीछे का भी बम्पर देख लीजिए, एकदम वेल मेंटेन गाड़ी। 2017 का आस्किंग प्राइस 5 लाख रुपए। तो चलिए अब हम अपनी दूसरी गाड़ी की तरफ, एक बार इधर से भी देख लीजिए। अब हम अपनी दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये भी है हुंडई की न्यू वर्जन i20, तो i20 एक्टिव, हुंडई की i20 एक्टिव, ये जो है अब गाड़ी हुंडई की i20 एक्टिव खड़ी है। और कितना चली है? टॉप मॉडल है, 50,000 चली है, वन ओनर फुल इंश्योरेंस। टॉप मॉडल 50,000 चली है, वन फर्स्ट ओनर फुल इंश्योरेंस में है गाड़ी अभी। और मॉडल कब का है? 2016 का मॉडल है गाइस, ये 2016 का मॉडल हुंडई i20 एक्टिव और फुल कंडीशन में ये भी खड़ी है। जैसा कि आप देख पा रहे हो एकदम नई ही लग रही है, एकदम नई गाड़ी लग रही है। अब चलते हैं इसका पीछे, इसका भी वॉक अराउंड देता हूँ आपको। तो इंटीरियर तो ऐसा, अभी क्या धूप है तो इसमें दिख नहीं पा रहा होगा कांच के अंदर से, लेकिन इंटीरियर एकदम फुल क्लीन गाड़ी खड़ी है, क्लीन एकदम। अब वेल मेंटेन गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो पीछे से आपको दिखाऊँ तो कुछ ऐसा दिखेगा, कहीं पर भी स्क्रैच नहीं है। और इसकी आस्किंग प्राइस 7,25,75 लाख रुपए। और प्राइस न्यूगोशियबल है गाइस, आप यहां पे अगर आते हो तो ऑन टेबल प्राइस न्यूगोशियबल है। तो अब हम अपनी दूसरी गाड़ी की तरफ आगे बढ़ते हैं और भी गाड़ियां देखते हैं। तो अब हम कुछ देखते हैं एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी गाइस। अब हमारे सामने जो गाड़ी खड़ी है वो है जीप कैंपस, और ये कब का मॉडल है? 2018 का मॉडल है। कितना चली है? 17,000 किलोमीटर गाइस चली है ये गाड़ी, और एकदम वेल मेंटेन्ड। कलर भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है, खूबसूरत गाड़ी। और कैंपस तो आप जानते ही हो, इसको ये गाड़ी को लगभग 4 से 5 लाख किलोमीटर तक कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और एकदम वेल मेंटेन्ड स्क्रैचलेस कंडीशन में गाड़ी, बिल्कुल क्लीन गाड़ी खड़ी है, 2018 का मॉडल। प्राइस कितना है? प्राइस 18 लाख इसका आस्किंग प्राइस है, प्राइस न्यूगोशियबल है, कोई टेंशन नहीं। आइए यहाँ पे, अगर आपकी डील पक्की होती तो प्राइस इधर उधर हो जाएगा। और देखता इसको वॉक अराउंड देता हूँ, तो इधर पे क्लियर गाड़ी, एकदम क्लीन गाड़ी है स्क्रैचलेस कंडीशन में। ये साइड से भी वॉक अराउंड आपको देता हूँ, तो गाड़ी एकदम वेल मेंटेन क्लीन गाड़ी, इंटीरियर भी एकदम फुल मेंटेन है। जीप कैंपस 18 लाख आस्किंग प्राइस 2018 का मॉडल। तो अब हम अपनी दूसरी ही गाड़ी बढ़ते हैं, एक एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी पे। और दूसरी गाड़ी अब जो दूसरी गाड़ी है वो है हुंडई की क्रेटा। तो इसका मॉडल कब का है? मॉडल 2016 मॉडल, फर्स्ट ओनर फुल इंश्योरेंस। कितना चली है? 50,000 समथिंग चली हुई है। और आस्किंग प्राइस? 11.5 लाख रुपए है 2000, और आस्किंग प्राइस 11.5 लाख रुपए है। गाड़ी फुल कंडीशन, यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं गाइस फुल कंडीशन में खड़ी है। आप आइए, गाड़ियों को देखिए, गाड़ियों को चेक कीजिए और डील को फाइनल कीजिए। गाड़ी एकदम वेल मेंटेन में, कलर कहीं पे भी स्क्रैच नहीं है, और जैसा कि आप देख पा रहे हो टायर भी एकदम फुल कंडीशन में, अभी टायर एकदम क्लीन है और गाड़ी भी एकदम क्लीन है, कहीं पे भी स्क्रैच तो नहीं दिख रहे हैं। और जैसा कि आपको चारों तरफ का वॉक अराउंड दे रहा हूँ, तो गाड़ियाँ एकदम फुल कंडीशन में, यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं फुल कंडीशन में खड़ी है गाइस।
तो चलिए इसका भी वॉक अराउंड दे रहा हूँ आपको चारों तरफ का। तो अब हम अपने अगली गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। तो अब दिखाता हूँ यार, जो लोगों का सपना होता है वो गाड़ी लेने का, तो वो गाड़ियाँ अब मैं दिखाता हूँ आपको। तो चलिए इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस, जो अब हम गाड़ी देख रहे हैं वो है टोयोटा की फॉर्च्यूनर 2013 का मॉडल है ये गाड़ी, और 14 लाख रुपए इसकी आस्किंग प्राइस है। प्राइस न्यूगोशियबल है और 81,000 लगभग 81,000 किलोमीटर चली हुई है। और ये गाड़ी मतलब समझो 4-5 लाख किलोमीटर तक कहीं नहीं जाती है, और वेल मेंटेन लो मेंटेनेंस गाड़ी है ये एकदम। और लोगों का सपना होता है एक फॉर्च्यूनर लेने का, जो एकदम भारी लगती गाड़ी। इसका रोड पे अलग ही एक्सपीरियंस रहता है, अपीयरेंस भी इसका अलग ही रहता है। रोड पे लगती है कि कोई गाड़ी चल रही है। तो चलिए इसको दिखाता हूँ मैं, एकदम स्क्रैचलेस कंडीशन में गाड़ी खड़ी है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, टायर भी बिल्कुल ब्रांड न्यू है यहाँ लगे हुए हैं, और स्क्रैच कहीं पे नहीं दिख रहा है गाड़ी का। गाड़ी पे स्क्रैच कहीं पे भी नहीं दिख रहे, वेल मेंटेन गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, एकदम क्लीन है। इंटीरियर भी एकदम क्लीन है। अगर आप आ रहे हो तो ये फॉर्च्यूनर अगर आपका बजट है तो आप ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि एकदम वेल मेंटेन गाड़ी, एकदम क्लीन गाड़ी, और 4-5 लाख किलोमीटर तक तो टोयोटा की गाड़ियाँ तो कहीं नहीं जाती है। और जैसा कि आप चारों तरफ का वॉक अराउंड दूँ तो देख पा रहे हो, पास से दिखा रहा हूँ आपको, कहीं पे भी स्क्रैच नहीं दिख रही है, वेल मेंटेन गाड़ी। और इंटीरियर की बात करें तो इसका इंटीरियर आप देख पा रहे होंगे, तो इंटीरियर अगर आपको दिख रहा है तो फिर एकदम क्लीन है इंटीरियर भी, और सीट्स कवर भी एकदम नए ही है। तो गाइस, तो चलिए अब यहाँ के ऑनर से बात करते हैं। तो ये कैसा है फाइनेंस का सर्विस, कैसा है और क्या क्या आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है, चलिए हम ऑफिस में अब हम आ चुके हैं। तो चलिए अब बात करते हैं राजू भाई से, यहाँ के ऑनर से। तो गाइस, जैसा कि अब आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये है यहाँ के ऑनर राजू भाई। तो अब इनसे हम बात करते हैं यहाँ के फैसिलिटीज के बारे में, यहाँ पे फाइनेंस की कैसी फैसिलिटीज है। तो राजू भाई, पहले एक बार तो हाय बोल दीजिए। तो राजू भाई, यहाँ पे फाइनेंस की फैसिलिटी कहाँ, पूरे गुजरात में है कि सूरत में है कि ऑल ओवर इंडिया है? नहीं, यह है दक्षिण गुजरात में सभी किसी की ओनर की हम फाइनेंस करते हैं। तो जैसा कि आप सुन पा रहे हो गाइस, जैसा आप देख पा रहे हो, तो साउथ गुजरात में जो भी जिले आते हैं और वहाँ के लिए यहाँ पे फाइनेंस अवेलेबल है। अब इनसे पूछते हैं कि फाइनेंस से कितने परसेंट ये फाइनेंस करके दे सकते? 80% हो जाए शायद। 80% तक यहाँ पे फाइनेंस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से लगभग लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हो तो आप 20,000 भर के यहाँ से गाड़ी ले जा सकते हो फाइनेंस, 80,000 का फाइनेंस करवा के। तो यहाँ पे राजू भाई तो जानते हैं इनसे कि यहाँ पे एक्सीडेंटल कारों में डीलिंग करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो एक्सीडेंट की तो हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। तो ये जो गाइस बात कर रहे हैं, ये पूरी एक्सीडेंटल कारों की जिम्मेदारी ले रहे हैं। जैसा कि आप जान पा रहे हो, एक्सीडेंटल कारों में ये डीलिंग करते ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, अगर एक्सीडेंटल कार अगर निकल जाए, विद प्रूफ अगर निकल जाए, तो ये आपको पूरा पैसा वापस कर देंगे गाइस। तो जैसा आप सुन पा रहे हो यहाँ के ऑनर भाई, आपके यहाँ पे जो भी मैंने गाड़ी देखी, वेल मेंटेन कंडीशन में है, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में, ऊंची मॉडल गाड़ियाँ हैं। ये भी नहीं है कि नीचे मॉडल, पूरे ऊंची मॉडल, सभी प्रकार की गाड़ी मिल रही है, सभी प्रकार की गाड़ी मिल रही है और वेल मेंटेन गाड़ी मिल रही है। तो गाइस, अगर आपको सेकेंड हैंड गाड़ियाँ लेना है वेल कंडीशन में, बहुत ही कम चली हुई, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और एक बार इनको डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे दूंगा, एड्रेस दे दूंगा। अगर आप एक बार गाड़ी लेने की सोच रहे हो, आपका बजट उतना नहीं है कि आप नई गाड़ी ले सकते हो, तो आप यहाँ पे एक बार आइए और इनसे बात कीजिए, आपको ये एक से एक बेहतरीन गाड़ियाँ दिखाएंगे, और वेल मेंटेन और वेल कंडीशन में गाड़ियाँ, और प्राइस ऐसा कि आप नया तो बारे में सोचोगे ही नहीं। और ये ऐसी गाड़ियाँ हैं कि एकदम नई ही गाड़ियाँ हैं, समझिए शोरूम से निकली है, ऐसी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और राजू एक बार बाय बोल दीजिए इनको, बाय गाइस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करके मुझे बताना कि अगली आपको वीडियो कौन सी गाड़ियों पे दिखाएं और किस टॉपिक पे दिखाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो जल्द लेके आऊँगा, और अपना प्यार देते रहिए। बस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।